विष्णु शस्त्र नाम बड़ा सुंदर है बहुत सुंदर है मुझे तो इतना अच्छा लगा कि मैंने अभी पच्चीस हजार कापियाँ छपवाने का तो आदेश दे दिया है फिर भी कम पड़ेगी और भी छपवाएंगे उसका पाठ मेरे साधकों को करना चाहिए भगवान के हजार हजार नाम हैं और श्लोकबद्ध है और ऐसे सुंदर श्लोक है पढ़ने से आनंद और शांति का तो एहसास होता है लेकिन उसका अर्थ समझते हैं तो फिर ये नहीं लगता है कि कोई चार भुजा वाला कब आएगा फिर नहीं लगता है फिर तो लगता है कि कई रूपों में वही तो दिख रहा है आपका प्रिय आपको दिखता है तो आपको मजा आता है ना कभी कभी आपका प्यारा दिखता है तो आपको मजा आता है लेकिन जहां तक आपको प्यारा दिखने लग जाए तो कितना मजा आएगा ऐसे विष्णु सहस्त्र नाम जहाँ तहाँ प्यारे के दीदार कराने की वो सतबुद्धि जागृत कर देता है तो वेद कहता है सर्वस्तर तो दुर्गा हम सब अपनी अपनी कल्पना से अपने अपने दायरे से बाहर आए <laughs> तो लोग क्या कहेंगे मेरे को छोड़ के जाता अरे क्यों अपने दुर्ग में डूब रहा है मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे कि इसके पास पैसे कहां से लोग क्या बोलेंगे अरे लोग क्या बोलेंगे वो भूत तेरे खोपड़े पे इतना हावी क्यों हो गया अगर लोग क्या बोलेंगे ऐसा सोच के जिएगा तो तू दुख में भय में और पिसता ही रहेगा तू तो लोकेश्वर क्या बोलेगा शास्त्र और गुरु क्या बोलते उधर को देख नहीं तो लोग तो ऐसा भी बोलते है. एक घोड़े को बाप और बेटा ले जा रहे थे लोगों ने बोला कितने बेवकूफ हैं घोड़ा साथ में और पैदल जा रहे हैं बुद्धि नहीं है फर्स्ट फ्लोर इज सेम पहला फ्लोर खाली बाप बैठा आगे चले लोगों ने कहा देखो बुढ़े को अभी तक घोड़े पर बैठने का शौक नहीं गया बेटा पैदल और बाप बैठा है बेटा को बिठाया बाप पैदल गया थोड़ा आगे गए लोगों ने बोला इसी का नाम तो कलजुग है बाप बेचारा पैदल जा रहा और छोरा बैठ रहा है बेशर्म कहीं का अब क्या करें बेटा बोलता है बाबा जी मेरे को भी बोल रहे हैं आप बैठे तो बोल रहे हैं मैं बैठा तो बोल रहे हैं आप क्या करें पिताजी आप आ जाओ दोनों बैठते डबल लोगों ने कहा इसीलिए तो अकाल पड़ा इसीलिए तो मंदी आई एक मूंगे प्राणी पर दो दो पाडे बैठे आए शर्म कुछ एक घोड़े पे दो दो बंदे बैठे हैं अब वो क्या करे तो लोग ना बैठ बोले डबल स्वारी बैठते तो भी बाप बैठता तो भी बेटा बोलता बैठता तो भी खाली ले जाते तो भी अब क्या करें घोड़े को सिर पे उठा के जाएंगे तभी भी लोग तो बोलेंगे कि घोड़े को सिर पे उठा के जा रहे तो ये कोकड़ा पणा जिसमें है बोले ईश्वर प्राप्ति ईश्वर प्राप्ति वो ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकता है उसने तो बेवकूफी को दुर्ग को पकड़ रखा है इसलिए वेद कहता है सर्वस्तरती दुर्गाणी अपनी अपने दुर्ग को अपने अपने झंझट को छोड़ो मुझे मवालियों की बात कहने दो मथुरा में मावालियों ने खूब भांग पी जय जय चलो यार हो जाए बोले हो जाए चाहे जमना जाए थे जाए थे वहां के बिहारी नगरी में तो रहे हैं लेकिन आज कल जाए हैं अपन मथुरा से जरा आगरा का ताजमहल देखें बोले देखेंगे चांदनी रात है मवाली चले और चले 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 रात भर हल चलाते रहे चला रहे प्रभात को कोई नदी के किनारे बोले भैया ये आगरो आ गए ओके बोले नहीं ये तो मथुरा है बोले मथुरा से तो रात को चले उसने बोला रात को तो चले लेकिन लंगर वहीं लगा है और लंगर खोला नहीं रात भर चलाए तो क्या चलाया ऐसी अपनी अपनी कल्पना तो छोड़ने को राजी नहीं तो भजन किया तो क्या किया वो जीव के जीव बने रहे पटेल के पटेल बने रहे ये अपनी मान्यता है मैं पटेल हूं मैं गुजराती हूं मैं बनिया हूं मैं माई हूं मैं मावा हूं ये सारा तुम्हारी थोपा हुआ शरीर का है तुम तो शरीर के पहले थे और शरीर के बाद रहोगे इस दुर्ग को छोड़ो इस शरीर की मान्यता कल्पना को छोड़ो अपने अपने कुंडाले से बाहर आओ तब सनातन सत्य का मजा ले देखोगे विवेकानंद बोलते थे कहीं से समुद्र का मेढक कुए में गया कुए का मेटक ने पूछा भैया तुम कहाँ से आया बोले मैं दरिया से आऊँ समुद्र से तो समुद्र कितना बड़ा है बोले बहुत बड़ा है बोले कितना बड़ा अरे बोले उसकी कल्पना क्या करूँ बहुत बड़ा है तो कुए के डेढ़ के ने एक छलांग मारी बोले इतना बड़ा है बोले नहीं इससे भी ज़्यादा दूसरी छलांग मारी बड़ी बोले इससे भी ज़्यादा तीसरी छलांग मारी बोले इससे भी ज़्यादा है दरिया कुएं के मेढक ने श्वास फुलाकर कुएं के एक छोर से दूसरे छोर तक छलांग मारा है बोले इससे बड़ा तो तेरा दरिया नहीं हो सकता है समुद्र का मेढक मुस्कुराने लगा के भैया तू यहाँ कुप में बैठे बैठे मेरे दरिया का आनंद नहीं ले सकता ऐसे तू अपने दुर्ग में बैठे बैठे मेरे परमात्मा दरिया का आनंद नहीं ले सकते हो इसलिए अपने अपने दुर्ग से निकलो मैं पंजाबी हूं मेरा एक कर्तव्य है मैं फलाना हूं मेरे बच्चे ठीक हो जाए एक कर दू मेरा ओठ हो जाए ठीक अरे ठीक करता करता करोड़ों जन्मों से तू आया है बंदे छोड़ अंगड़ाई सुन राम दुआई लिख लिख कैद न हो फकीरा आप अल्लाह हो खुला तेनू पाऊ न खांदे लिख लिख कैद न हो फकीरा आप अल्लाह हो साथ में अरस तेरा नूर चमकदा तू उसते भी ऊंचा हो फकीरा आपे अल्लाह हो राम रहीम सब बंदे तेरे तू उसते भी ऊंचा हो फकीरा आपे अल्लाह हो ये राम भगवान है उसको तू जान ले मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान वेद कहता है सर्व सदबुद्धि तू हमारी सदबुद्धि जागृत हो जाए ताकि सत्य स्वरूप परमात्मा का आनंद और ज्ञान पाकर सब दुखों से छूट जाए सब आकर्षणों से छूट जाए मिलती है हमें डिग्रियां मगर योग्यता कम है मिलती है हमें खुशियां मगर साथ में गम है क्या ख्याल है वापिस ऐसा ही है ना मिलती है हमें डिग्रियां मगर योग्यता कम है सुख में बह जाते दुख में बह जाते इनकम टैक्स के टेंशन में बह जाते योग्यता नहीं है गर्मा गरम कड़क लाकड़ा जैसी चाह पीते अब चाह छोड़ी तो दूसरा कुछ दूसरा छोड़ा तो तीसरा कुछ मिलती है हमें डिग्रियां, मगर योग्यता कम है मिलती है हमें खुशियां, मगर साथ में गम है मिलते हैं अनेकों आदमी हर तरह के लेकिन दिल से दिल मिले वे आदमी कम है लेकिन दिल से दिल भी मिला दे लेकिन दिल दिल भर से जगा दे ऐसे महापुरुष कभी कभी मिलते हैं और बड़े कम है डिग्रियां तो मिलती लेकिन समझ वो नहीं है कि डिग्रियों का उपयोग सत्य के लिए किया जाए खुशियां तो मिलती है लेकिन वो खुशियां पर भी ले आती है मिलते आने को आदमी हर तरह के लेकिन दिल से दिल मिले हुए आदमी कम है लेकिन दिल से दिल मिले वो आदमी भी मिल जाए लेकिन सुख दुख में सम मिले वो उनसे भी कम है और वे भी कभी मिल जाए लेकिन हमको वहाँ तक पहुँचा दे ऐसे सदगुरु अत्यंत कम है और ऐसे सदगुरु कहीं मिल जाए तो उनके साथ जुटे रहना कोई विरले का धम है